हमारे चैनल लर्निंग जंक्शन से हमेशा अप टू डेट रहने के लिए सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से इस घंटे को जरूर दबा लें ताकि हमारा कोई भी वीडियो आप मिस न कर सके। अगर आप एक प्रो वेबसाइट बनाना चाहते हैं, एक प्रोफेशनल लुकिंग वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो मैं नहीं, हर वेबसाइट डिजाइनर यही बोलेगा कि आप वर्डप्रेस पर बना लो अगर आपको कोडिंग नहीं आती है। तो अगर आप किसी कोडिंग के झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं तो आप वर्डप्रेस पर बना सकते हैं। बहुत आसान है वर्डप्रेस पर बनाना अगर आपको कोडिंग नहीं आती है तो भी। और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली कोई अगर CMS है तो वर्डप्रेस ही है। वर्डप्रेस सबसे ज़्यादा यूज होती है क्योंकि इसकी थीम बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, इसके प्लगइन बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल है, बहुत अच्छी अच्छी इसकी थीम और प्लगइन मिल जाती है। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अगर अपने लोकल कंप्यूटर और लैपटॉप को अगर आप एज ए सर्वर यूज करके उससे अगर वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप कैसे बनाएंगे। हम इस वीडियो में बस यही बात करेंगे कि आप वर्डप्रेस को अपने लोकल कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल करके एज ए सर्वर उसको वर्क करेंगे, उसमें अगर काम करना चाहते हैं तो उसमें कैसे काम करेंगे। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं लर्निंग जंक्शन। चलिए देख लेते हैं। बहुत सारे प्लगइन और थीम अवेलेबल होने की वजह से वर्डप्रेस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस है और सबसे ज़्यादा इसे यूज़ किया जाता है। जिसे कोई भी कोडिंग की नॉलेज नहीं है वो भी वर्डप्रेस पे बहुत आसानी से बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल लुकिंग वेबसाइट बना सकता है। बट उसको आप अपने लोकल कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद से उस पर कैसे वेबसाइट बनाएंगे, बाद में वेबसाइट रेडी होने के बाद से आप उसे लाइव कर सकते हैं, मतलब लोकल से आप लाइव पर शिफ्ट हो सकते हैं, बट कैसे सबसे पहले आप इंस्टॉल करके अपने लोकल PC में उसे रन करके आप उसमें काम कर सकते हैं और वेबसाइट बना सकते हैं लोकली। तो चलिए हम जान लेते हैं और कैसे इंस्टॉल करेंगे देख लेते हैं। तो वर्डप्रेस को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमें एक सर्वर चाहिए, सर्वर बनाना पड़ेगा अपने लोकल कंप्यूटर को, क्योंकि हम लोकल कंप्यूटर को ऑनलाइन सर्वर की तरह यूज़ करेंगे। इसके लिए हमें एक सर्वर ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्डप्रेस जो साइट है वो PHP में बना हुआ है, तो इसके लिए हमें जैम सर्वर का यूज़ यहाँ पर करेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा सबसे पहले आप जैम जो ये सर्वर है, ये सॉफ्टवेयर है, इसको आप डाउनलोड कर लें और उसके बाद से वर्डप्रेस का जो लेटेस्ट वर्जन है अभी जब मैं यूज़ कर रहा हूँ 4.9.6 है, इन दोनों को आप डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। डाउनलोड हो जाने के बाद सबसे पहले जहाँ पर भी डाउनलोड हुआ है उस फोल्डर को आप ओपन करेंगे और ओपन होने के बाद से आप करेंगे क्या कि जो जैम का जो सॉफ्टवेयर है उसको आप इंस्टॉल कर लेंगे। तो चलिए हम इसको प्रॉपर इंस्टॉल कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी इंस्टॉल हो गया है कंप्लीट, तो फिनिश कर देते हैं। फिनिश करने के बाद से हम जो जैम का सर्वर है उसे ओपन करेंगे, तो लैंग्वेज यहाँ पर सेव करने के लिए बोला है तो हम सेव कर देते हैं इसी लैंग्वेज को। और उसके बाद से सेव होने के बाद से जैम को जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो चुकी है, तो यहाँ पर अपाची और MySQL को हम स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट करने के बाद से इसे हम मिनिमाइज़ कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हम वर्डप्रेस को डाउनलोड किए हुए थे उस जो फोल्डर को हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट होने के बाद से आपको करना क्या पड़ेगा कि इस फोल्डर को ओपन करना पड़ेगा। कंप्लीट हो गया, अब इस फोल्डर को ओपन करेंगे और ये जो वर्डप्रेस का जो फोल्डर है इसे हम कॉपी कर लेंगे। पूरी फोल्डर को कॉपी करने के बाद से आपको जाना पड़ेगा सी में। आने के बाद से जैम का जो फोल्डर उसमें आ जाए, उसके बाद से यहाँ पर एक STDocs बोल के एक फोल्डर बना होगा उसको ओपन कर लेंगे और यहाँ पर कोई भी एक फोल्डर आप क्रिएट करके अपने वेबसाइट का नाम दे दें या कुछ भी क्रिएट करके उसमें पेस्ट कर देना होगा, बट आपको ये एड्रेस आपको याद रखना होगा। चलिए हम यहाँ पर फोल्डर का नाम दे देते हैं KR और उसके बाद से इंटर प्रेस करके इसमें हम वो वाली फोल्डर को पेस्ट कर देते हैं वर्डप्रेस को। अब हमारा काम खत्म हो चुका है, अब चलिए अब इस फोल्डर को मिनिमाइज़ कर देते हैं। अब हम आते हैं ब्राउज़र में। अपने ब्राउज़र में आने के बाद से करना क्या पड़ेगा आपको कि टाइप करना पड़ेगा localhost/phpMyAdmin। क्योंकि वर्डप्रेस एक डायनेमिक साइट है, ये डेटाबेस को एक्सेस करता है, इसलिए हमें एक डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये टाइप करने के बाद से आप इंटर प्रेस कर दें। डेटाबेस क्रिएट करना बहुत आसान है, मैं आपको यहाँ पर क्रिएट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आने के बाद से आपको यहाँ पर डेटाबेस पर क्लिक करना पड़ेगा और क्लिक करने के बाद से आप यहाँ पर एक डेटाबेस नाम यहाँ पर दे दें, जैसे कि मैं यहाँ पर दे देता हूँ वर्डप्रेस, कुछ भी दे सकते हैं आप नाम, और यह नाम देने के बाद से क्रिएट पर क्लिक कर देना पड़ेगा। बस ये डेटाबेस क्रिएट हो गया। उस बाद से हम करेंगे क्या कि हम अपना प्रोजेक्ट जो फोल्डर है उसे ओपन करेंगे। तो कहाँ पर हम पेस्ट किए थे उसे याद रखने को मैंने पहले ही बोला था, तो आप उसे याद रखें। और चलिए यहाँ पर टाइप करते हैं localhost, उसके बाद से स्लैश हम जो फोल्डर का नाम दिए थे KR,
उसके बाद से स्लैश वर्डप्रेस और इंटरप्रेस करेंगे तो हमारे पास वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन इंस्टॉल करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। बट अगर आप सिर्फ फोल्डर का नाम देते हैं जैसे कि लोकल होस्ट और उसके बाद से स्लैश देने के बाद से जो भी फोल्डर का नाम देकर रखे हुए हैं आप उस पर अगर वो टाइप करने के बाद से क्लिक करते हैं तो आपके सामने डायरेक्टरी आ जाएगा और यहाँ से भी सेम वही काम कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट वर्डप्रेस लिख देते हैं और वर्डप्रेस लिखने के बाद से हम इंटरप्रेस करेंगे और उसके बाद से हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पर आप लैंग्वेज को चुन लेंगे, इंग्लिश रहने देते हैं यूनाइटेड स्टेट का और उसके बाद से कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको कुछ क्रिएट करना, जैसे कि डेटाबेस नाम डालना पड़ेगा आपको, यूजर नेम, पासवर्ड, होस्ट और उसके बाद से आप टेबल प्रेफरेंस आपको डालना पड़ेगा। सब देने के बाद से आप आगे बढ़ेंगे। चलिए लेट्स गो पर क्लिक करते हैं और ये सब डाल देते हैं। यहाँ पर वर्डप्रेस रहने देते हैं डेटाबेस को क्योंकि वर्डप्रेस ही क्रिएट किए थे। उसके बाद से यूजर नेम में हम डाल देते हैं रूट और उसके बाद से पासवर्ड को हम ब्लैंक रहने देते हैं, बाकी सब जैसा है वैसे ही रहने देते हैं। सबमिट पर क्लिक कर देते हैं, उसके बाद से रन द इंस्टॉलेशन पर क्लिक कर देंगे और थोड़ा सा टाइम लेगा ये इंस्टॉल हो रहा है। यहाँ पर साइट का नाम, जो भी आप साइट का नाम रखना चाहते हैं, वेबसाइट का नाम, वो यहाँ पर डाल देंगे। चलिए मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ कि चलिए ये वेबसाइट का नाम हो गया। हम यहाँ पर अपने जो वेबसाइट का नाम है यहाँ पर हम दे चुके हैं और वेबसाइट का नाम देने के बाद से हम यहाँ पर यूजर नेम दे देंगे तो यूजर नेम एडमिन कर देते हैं और उसके बाद से पासवर्ड में स्ट्रॉन्ग नहीं डालेंगे, हम कोई भी सिंपल से डाल लेते हैं क्योंकि हमें हमेशा याद रखना है क्योंकि ये ऑनलाइन सर्वर पर नहीं है तो कोई रिस्क नहीं है इसका। चलिए पासवर्ड में हम कोई भी एक सिंपल सा पासवर्ड डाल देते हैं और उसके बाद से हम ईमेल आईडी यहाँ पर डाल लेते हैं। ईमेल आईडी आप अच्छा ही डालें क्योंकि बाद में ये ईमेल आईडी काम आने वाला है। चलिए मैं यहाँ पर learningjackson@gmail.com डाल देते हैं। उसके बाद से सर्च इंजन विजिबिलिटी जो है इसे आप यहाँ टिक भी कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए इंस्टॉल वर्डप्रेस पर क्लिक करते हैं। ये बैकग्राउंड में इंस्टॉल हो रहा है आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं तो अभी देख पा रहे हैं कि ये इंस्टॉल हो गया है और उसके बाद से लॉगिन करने के लिए बोला जा रहा है। चलिए मैं यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आप यूजर नेम पासवर्ड देने के बाद से आप लॉगिन पर क्लिक कर देंगे तो ये देख पा रहे हैं कि आप वर्डप्रेस सक्सेसफुली हमारे लोकल सर्वर में इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पर ओपन भी हो चुका है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोकल में कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं या फिर सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा क्योंकि आप अपने लोकल कंप्यूटर में बहुत आसानी से वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके कोई भी थीम को इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई भी प्लगइन को इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके बाद से आप सीख सकते हैं और उसके बाद से वेबसाइट बना सकते हैं। उसके बाद अगर अच्छा लगे तो आप उसे लाइव पर शिफ्ट हो सकते हैं, मतलब लाइव पर ट्रांसफर कर सकते हैं अपने वेबसाइट को और उसको पूरी दुनिया को अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये हमारा पहला वीडियो है, मैं ये तो गारंटी नहीं लेता हूं कि मैं वर्डप्रेस की पूरी सीरीज बनाऊंगा, बट इन फ्यूचर हो सकता है कि मैं वर्डप्रेस का कोई अगर सीरीज निकालूं या कोई भी वीडियो बनाऊं तो आपको जरूर मिलेगा। तो इसके लिए आप नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।